ओम शांति। अभी जून मास आने वाला है। जून मास आने के पहले ही हमारी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती की यादें अपने आप आने लगती है। यज्ञ माता हमारे लिए बहुत बड़ा मिसाल है, जो सारे यज्ञ में सबसे पहले संपूर्ण बनी। प्रजापिता ब्रह्मा और शिव निराकार परमात्मा भी उसकी महिमा के गीत गाता था। ऐसे मम्मा के बारे में और भी विस्तृत जानकारी हमारे जगदीश भाई ने खूब लिखी है, तो कुछ उन्हीं के शब्दों में और अपने शब्दों में मम्मा के बारे में बहुत बड़े भाई लोगों के अनुभव सुनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है, उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। उनको देखकर तो महा अज्ञानी भी कह उठता था, माँ ओ माँ तेरी ठंडी छाया, तेरी शीतल वाया, तेरी हाँ में हाँ, ओ माँ कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट, जो शिव और ब्रह्मा के ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता है। वे निर्मल नैन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियाँ जिस पर पड़ती उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका वह दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी। उनकी चाल ढाल ही ऐसी थी कि जिसमें योग और राज मिलकर उसे इतना भव्य दिव्य सुसभ्य बताते थे कि बात मत पूछिए। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रिय चंचलता शांत हो चली। जिस समय किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वे समाधिस्थ है। तपस्या रत है अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए हुए हैं। क्या जादू था उनकी तस्वीर में, क्या सुगंधी थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में। जिसने उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा उसका तो जीवन ही सफल हो गया। अंत हम सभी का कैसा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा वस्त्र भी है और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी है। लोग जिस देवी को विद्यावाहिनी के रूप में विद्या का वरदान पाने के लिए पुकारते हैं, स्वयं उन्हीं के पुनीत हाथों से हमने अमृत पिया। स्वयं उनकी मुखवाणी से ज्ञान की स्वर्ग सुखदायिनी झंकार सुनी। उनके वरद हाथों ने हमारे सिर पर प्यार बरसाया। उनकी ज्ञानमयी गोद के हम सूत है। हमारे इन नेत्रों ने सरस्वती को इस धरा पर खड़े बैठ चलते देखा। हमने यदि और कुछ भी न पाया तो क्या यह कम बात है? संसार में इससे अधिक सुंदर दृश्य और कोई हो नहीं सकता है क्या? जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नान करते थे। वे जब चलती थी चंदा भी देर से जाता था। जब वह रात रात भर शिव पिता को याद करती थी, अरे वे ही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। गौरी वे ही तो थी, हिमराज की वह पुत्री, ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थी। जिसने उन्हें साक्षात नहीं देखा उसने क्या देखा? जिसे संसार आदि देवी अम्बे मैया, ईव, हव्वा इत्यादि नाम से याद करता है, उन्हें देखने का यही मौका था। हम उनके संग संग रहे, उनके हाथों से पले, उनके छत्र छाया में खेले। वे दिन कितने निराले थे, वो हमारे सौभाग्य की कितनी सुंदर घड़ी थी। उस जैसा रोमांचकारी अनुभव तो और कोई हो नहीं सकता। भारत और भारत की नारी के वह शान थी, योगिनी में वह सर्व महान थी। धर्म दर्शन मजहब और ईमान थी, दिव्य गुणों की खान थी। वह मदर ये जहान थी, वह न होती तो कुछ भी न होता। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुनकर सभी यज्ञ वस्त्रों की समझाती थी। वह तो उनके सामने ज्ञान एवं योग की नमूना थी। सभी यज्ञ वस्त्रों को संभालने के लिए वही तो निमित्त थी।
उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान बिना वादन का अधिकार था। उन्हीं मातेश्वरी ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला, भिन्न भिन्न संस्कार वाले यज्ञ वस्त्रों को संस्कारों की भट्टी में से उन्होंने ही उज्ज्वल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला माँ, संतोषी माँ और अन्नपूर्णा थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के युग में मनके में स्थान देते थे, उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते थे तथा आदरणीय मानते थे। उन्हों को आगे रख वे उदाहरण देते कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों माताओं को आगे रखें। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। मैं लगभग 50 देशों में गया हूँ। रूप लावण्य ने अनेक सुंदर नारियाँ भी देखी होंगी, क्योंकि आग बंद करके यात्रा तो नहीं करता था। विद्वता, समाज सेवा, प्रशासन और वक्तृत्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था, उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनित हंस वर्ण की थी। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहते थे माँ, ओ माँ। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना का योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उनके तमोगुणी और रजोगुण संस्कार बंद हो जाते थे और उनकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती माँ। माँ तुझे शत शत नमन। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे मम्मा के बारे में। ये पहला वीडियो था। ऐसे सुंदर सुंदर मम्मा की जीवन कहानी सुनने के लिए आप हमारे ज्ञान सूर्य चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो। और हर वीडियो एपिसोड देखने के लिए आप जून मास में मिलते रहेंगे। ओम शांति।